हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास फिफ्थ हिंदी रीडर में चैप्टर 9, जिसका नेम है गुलीवर की यात्रा और जिसके राइटर हैं जोनाथन स्विफ्ट, उनकी कहानी के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, ये कहानी बहुत ही अच्छी है, आप ध्यान से सुनिएगा। इसमें एक आदमी होता है जिसका नेम है गुलीवर। वह दूसरे देश में पहुंच जाता है, जो कि वहाँ के जो लोग जो होते हैं वो काफ़ी विचित्र होते हैं। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। गुलीवर पानी के एक जहाज़ पर नौकरी करता था। गुलीवर जो था वो एक पानी का जो जहाज़ होते हैं पानी के, उन पर नौकरी करता था। एक बार जब वह दक्षिण पूर्वी द्वीप समूह की ओर जा रहा था, तो उसका जहाज़ एक समुद्री तूफान में फंस गया। जब वह दक्षिणी पूर्व की साइड में जा रहा था, तो उसका जहाज़ जो है एक समुद्री तूफान में फंस गया था और देखते ही देखते समुद्र में डूब भी गया। गुलीवर जो है तैरकर जैसे तैसे समुद्र के किनारे तक पहुंचा। तूफान में तैरकर किनारे तक पहुंचना आसान काम नहीं था। तूफान आ रहा हो समुद्र में और उसमें तैर के दूसरे किनारे पे पहुंचना जो है वो आसान काम नहीं होता है। तैरते तैरते वह थक भी गया था और इसलिए वह किनारे पर ही लेट गया। लेटते ही उसे अब नींद आ गई। जब वह जागा तो उसने देखा कि उसका पूरा शरीर जो है पतले धागों से बंधा हुआ था। गुलीवर को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह कोई वस्तु उसके पैरों पर रेंगती रेंगती उसकी छाती पर आकर खड़ी हो गई। जैसे कि बच्चों आप यह पिक्चर में देख रहे हैं, गुलीवर जो है वो लेटा हुआ है। वो अब क्या है, दूसरे शहर में पहुंच गया है और वहाँ के लोग कितने हैं, काफ़ी छोटे छोटे से आपको दिखाई दे रहे हैं। उन लोगों ने क्या किया है, गुलीवर को रस्सी से बांध दिया है और उसके ऊपर भी घूम रहे हैं। तो उसे कैसा लग रहा है कि उसके पैरों पर जो है या उसकी छाती पे कोई छोटी छोटी चीज़ जो है रेंगती हुई आ खड़ी हुई है। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि वहाँ एक छोटा सा आदमी खड़ा था। जब उसने देखा अपनी छाती पे, तो एक छोटा सा आदमी खड़ा हुआ था। उसकी लंबाई मात्र कितनी थी, बालिस्त, एक बालिस्त थी। एक बालिस्त, बालिस्त का मतलब क्या होता है, हाथ से लिया गया नाप, यानी कि एक ब्लस्त की थी। थोड़ी ही देर में ऐसे सैकड़ों आदमी जो है उसके शरीर पर चढ़ गए। अब गुलीवर के जोर से चिल्लाने से भी वे आदमी सभी गिरते पड़ते और चीखते चिल्लाते वहाँ से भाग गए। गुलीवर जैसे ही जोर से चिल्लाने लगा तो वहाँ जो आदमी थे वो गिरते पड़ते एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते हुए चीखते भाग गए। अब गुलीवर ने सोचा कि मुझे उठना चाहिए। जब उसने उठने का प्रयत्न किया, कोशिश की, तो क्या कुछ धागे जो है टूट गए और यह देखकर वे गुलीवर के ऊपर तीर चलाने लगे। जब उन लोगों ने देखा कि गुलीवर के धागे टूट गए हैं, तो उन लोगों ने क्या किया, गुलीवर के ऊपर तीर चलाना शुरू कर दिया। उनके तीर सुई के समान पतले थे। तीर कैसे थे, काफ़ी पतले थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि सुई हो। उनके ऊपर जो है तीरों की बौछार होने लगी, यानी कि जो वो तीर जो थे वो गुलीवर के ऊपर वो फेंकने लगे। यह देख गुलीवर ने सोचा कि मुझे ऐसे ही चुपचाप लेटे रहना चाहिए। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसी तरह से चुपचाप ही लेटा रहूं। कुछ ही क्षणों में उन विचित्र प्राणियों ने तीर चलाना बंद कर दिया, यानी कि थोड़ी देर जब हुई तो उसके बाद में विचित्र, विचित्र क्या है, वो अजीब से जो प्राणी थे उन्होंने तीर चलाना बंद कर दिया। उनमें से एक आदमी एक ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी उसने क्या देखा, उनमें से एक आदमी जो है काफ़ी ऊंची जगह पे खड़ा हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, कुछ कहने लगा। गुलीवर ने उसे हाथ हिलाकर समझाया कि वह उसकी भाषा नहीं समझ पा रहा। गुलीवर ने हाथ से इशारा करके उन्हें समझा दिया कि वह उनकी भाषा नहीं समझ पा रहा है। गुलीवर को तेज भूख लग रही थी। उसने अपना हाथ मुंह की ओर करके भूखे होने का इशारा दिया। गुलीवर को क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही थी, तो उसने क्या किया, मुंह की तरफ हाथ का इशारा करते हुए भूखे होने का इशारा किया।
ऊंचे स्थान पर खड़ा आदमी उसका इशारा समझ गया, यानी कि जो आदमी ऊंचे स्थान पर खड़ा था वह उसका इशारा समझ गया। कुछ ही देर में गुलीवर के मुंह के पास सीढ़ी लगा दी गई और सैकड़ों छोटे छोटे आदमी जो थे वो टोकरियों में खाने की चीज़ें लाके उसके मुंह में उड़ेलने लगे, यानी कि बहुत सारे सैकड़ों लोग जो है छोटे छोटे आदमी टोकरियों में खाना लेके आए और उसके मुंह में डाल दिया। गुलीवर ने पानी पीने का इशारा किया तो उन्होंने पानी से भरे भरे अनेक कनस्तर यानी कि मटके जो है काफ़ी बड़े बड़े उसके मुंह में उड़ेल दिए पानी के। खाने के बाद गुलीवर को नींद आने लगी। कुछ ही क्षणों में वह फिर से गहरी नींद में सो गया। खाने के बाद उसे क्या हुआ, नींद आ गई और वह सो गया। खड़खड़ की आवाज़ से जब गुलीवर की आँख खुली तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे लोग उसे एक गाड़ी में रखकर कहीं ले जा रहे थे, जैसे कि बच्चों आप पिक्चर में देख भी रहे हो, गुलीवर जो है वो लेटा हुआ है और जो वहाँ के जो छोटे छोटे विचित्र लोग हैं वो वह उसे गाड़ी में लेके जा रहे हैं। गुलीवर के दोनों हाथ हथियार जो है वो छोटे छोटे लोग लेके चल रहे थे, यानी कि दोनों तरफ जो गुलीवर के थे लोग जो है छोटे छोटे हथियारों को लेके चल रहे थे। गुलीवर समझ गया कि उसे बंदी बना दिया गया है, यानी कि उसे कैद कर लिया गया है, उसे बांध लिया गया है। जैसे ही गाड़ी लिलीपुट की राजधानी में पहुंची, वहाँ के निवासी जो हैं वहाँ के लोग जो हैं गुलीवर को देखने के लिए छतों पर जमा हो गए, यानी कि इकट्ठे हो गए थे। यानी गुलीवर जैसे ही लिलीपुट की राजधानी में पहुंचा तो वहाँ पे उसे देखने के लिए बहुत से लोग जो है छतों पे इकट्ठे हो गए थे। उन्हें गुलीवर के विशालकाय शरीर को देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था। विशालकाय यानी कि बहुत बड़ा, लोगों को गुलीवर का बहुत बड़ा शरीर देख के बड़ा आश्चर्य हो रहा था। लिलीपुट के बादशाह ने गुलीवर को एक पुराने मंदिर में बंदी बना लिया, यानी कि कैदी बना लिया। शहर में यही एक ऐसा स्थान था जिसमें कि गुलीवर जो है झुककर प्रवेश कर सकता था। अन्य मकान तो खिलौने जैसे दिखाई देते थे, यानी कि गुलीवर जो है सिर्फ वही एक ऐसी जगह थी जहाँ पे उसे बंदी बनाया गया था जिसमें कि वह झुककर आराम से आ सकता था, लेकिन बाकी के जैसे जो मकान थे वो कैसे थे, बिल्कुल उसके लिए खिलौने के समान थे, बहुत छोटे थे। ललितपुट वासी गुलीवर के पहाड़ जैसे शरीर को देखकर आश्चर्यचकित थे। वहाँ के जो लिलीपुट के निवासी जो थे वो गुलीवर का जो बहुत बड़ा शरीर देख के बहुत आश्चर्यचकित थे और गुलीवर उनके छोटे से संसार को देखकर हैरान था। गुलीवर जो उनके छोटे से संसार को देख के हैरान हो गया था। वहाँ कुछ शरारती लोग गुलीवर पर तीर चलाने लगे। एक तीर उसकी बाई आंख पर लगा। यह देखकर सिपाहियों ने 6 लोगों को पकड़कर गुलीवर को सौंप दिया, यानी कि जब देखा उसकी बाई आंख पे लग गया है तो सिपाहियों ने क्या किया, 6 लोगों को पकड़ा और गुलीवर को सौंप दिया। गुलीवर को कुछ मसखरी सूझी, यानी कि मजाक सूझा, मसखरी होती है मजाक सूझा। उसने 5 लोगों को अपने कोट की जेब में डाल दिया। उसने क्या किया कि जो 5 लोग जो दिए थे सिपाहियों ने उसको अपनी कोट की जेब में डाल दिया और शेष जो है एक, यानी कि 6 थे ना, 6 में से 5 उसने क्या कर लिया, अपने कोट की जेब में रख लिए और शेष बाकी का एक जो है उसने हाथ से पकड़कर मुंह की ओर ले जाने लगा। वह भयभीत होकर चीखने चिल्लाने लगा। शीघ्र ही गुलीवर ने उन सभी को छोड़ दिया और गुलीवर ने क्या किया, बहुत ही जल्दी उन सभी को छोड़ दिया। छूटते ही सब गिरते पड़ते भाग गए। जैसे ही उसने गुलीवर ने छोड़ा तो वह गिरते पड़ते वहाँ से भाग गए। इस बात के लिए लिलीपुट वासियों ने गुलीवर की काफ़ी प्रशंसा की कि उन्हें छोड़ दिया गया था। लिलीपुट के बादशाह ने जब यह बात सुनी तो उसने भी गुलीवर की प्रशंसा की। लिलीपुट में रहते हुए गुलीवर को कुछ समय बीत गया था, यानी कि लिलीपुट में गुलीवर को काफ़ी समय
बीत गया था। गुलीवर के भोजन करने के लिए लिलीपुट वासियों की खाद्य सामग्री कौन सी होती है? खाने पीने की चीज़ें जो है वो घटने लगी थी, यानी कम होने लगी थी। इस बात से राजदरबार के लोग चिंतित होने लगे कि गुलीवर के लिए खाना जो है ख़त्म होने लगा था, कम होने लगा था। वे सोचने लगे कि इससे देश में अकाल पड़ जाएगा, अकाल यानी कि खाने के लिए जो है चीज़ की कमी हो जाएगी, अभाव होने लगेगा, कमी पड़ने लगेगी। इसलिए उन्होंने गुलीवर को विषैले तीरों से मार डालना चाहा। तो उन्होंने क्या सोचा कि गुलीवर को है विषैले यानी कि जहरीले तीरों से हम मार डालते हैं। परंतु बादशाह ने उसकी बात नहीं मानी और उसके भोजन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। लेकिन बादशाह ने जो है यह सब करने से मना कर दिया और उसने उसको भोजन की यानी खाने की जितनी जिम्मेदारी थी अपने ऊपर ले ली। साथ ही उसने गुलीवर को लिलीपुट की भाषा सिखाने के लिए 6 विद्वानों को भी रख लिया। गुलीवर ने कुछ ही दिनों में उनकी भाषा भी सीख ली। गुलीवर के मृदु स्वभाव और व्यवहार से वहाँ के सभी लोग प्रसन्न थे। यानी गुलीवर का जो स्वभाव था काफ़ी मीठा स्वभाव था, मृदुल स्वभाव था। उसके स्वभाव से और व्यवहार से जो है वहाँ के लोग सभी प्रसन्न थे। वे निडर होकर गुलीवर के पास आते, कभी वे उसके ऊपर उछलते कूदते तो कभी नाचने लगते। बच्चे उसके बालों में आँख मिचोली खेलते। गुलीवर उनके लिए एक खिलौना बन गया था। गुलीवर अपने बंदी जीवन से ऊब गया था। यानी गुलीवर जो है मतलब कि बंद होते होते अपने जीवन से बोर हो गया था। इसलिए उसने एक दिन बादशाह से मुक्ति के लिए, मुक्ति यानी कि आज़ादी, आज़ादी के लिए प्रार्थना की। उसने क्या किया, बादशाह से कहा कि मुझे मुक्त आज़ाद कर दिया जाए। बादशाह ने उसे मुक्त करना स्वीकार कर लिया, यानी कि बादशाह ने जो तैयार हो गया उसे आज़ाद करने के लिए। पर उसने क्या किया, 2 शर्तें लगा दी। पहली यह थी कि वह बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं भी आ जा नहीं सकेगा। यानी कि बादशाह ने उसे आज़ाद तो कर दिया लेकिन उसने 2 शर्तें रखी कि तुम मेरी आज्ञा के बिना कहीं आ जा नहीं सकोगे। और दूसरी यह कि युद्ध के समय वह लिलीपुट वासियों की सहायता करेगा। कुछ दिनों बाद पड़ोसी देश ब्लेफुस्कू के बादशाह ने एक लड़ाकू जहाजी बेड़ा क्या होता है, जहाज़ों का दल यानी कि पूरे जहाज़ों का ग्रुप तैयार कर लिया। वह लिलीपुट पर हमला करना चाहता था। गुलीवर ने लिलीपुट वासियों की सहायता करने का विचार बनाया, यानी कि उसने सोचा कि मैं जो है लिलीपुट वासियों की सहायता करूँगा। उसने रस्सियाँ और कांटे लिए और ब्लेफुफुस की खाड़ी की ओर चल दिया। जैसे कि आप बच्चों देख भी रहे हो, वह दूसरी साइड में जा रहा है और उसने कुछ रस्सियाँ ली हुई हैं। यह खाड़ी गुलीवर के लिए गहरी न थी पर उन लोगों के लिए तो महासागर के समान थी। गुलीवर खाड़ी में घुस गया और उसने वहाँ खड़े हुए जहाज़ों को कांटों में फंसा लिया। उसके लिए तो वह उस महासागर में जो जाना ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, वह आसानी से उसमें घुस गया और उसने क्या किया, जहाज़ों को कांटों में फंसा लिया और उन्हें खींचते हुए लिलीपुट की खाड़ी तक ले आया। ब्लेफुस्कू के सैनिक गुलीवर पर तीर बरसाने लगे पर चश्मे और चमड़े के कोट के कारण उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाए और ना ही उसका कुछ बिगड़ पाया। जब गुलीवर ब्लेफुस्कू के जहाज़ों को लेकर लिलीपुट की खाड़ी में पहुंचा तो वहां के बादशाह और निवासियों ने उसका उछल उछल कर स्वागत किया। यानी कि जब वह वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, उसका काफ़ी उछल उछल के स्वागत किया। बादशाह ने प्रसन्न होकर गुलीवर को देश की सबसे बड़ी उपाधि से सम्मानित किया।
एक दिन गुलीवर लिलीपुट की खाड़ी के किनारे घूमते घूमते दूर जा पहुंचा। वहां से उसे पानी में एक बड़ा तख्त तैरता हुआ दिखाई दिया, यानी कि गुलीवर जो है उसे खाड़ी में एक घूमते घूमते जब वह जा रहा था तो एक बहुत बड़ा तख्त दिखाई दिया पानी में तैरता हुआ। वह एक उल्टी नाव थी जो कि उल्टी होके तो उसे कैसा लग रहा था, तख्त जैसी लग रही थी। गुलीवर उसे देखकर खुशी से नाचने लगा। उसने वह नाव खाड़ी के किनारे बांध दी। अब गुलीवर को अपने देश की याद सताने लगी थी, इसलिए उसने क्या किया, राजा से अपने देश जाने की आज्ञा मांगी। राजा ने आज्ञा दे दी और नाव से भरपूर खाद्य सामग्री लदवा दी। खाड़ी के किनारे सभी लिलीपुटवासी जो है एकत्रित हो गए, इकट्ठे हो गए और उन्होंने बड़े ही प्रेम से गुलीवर को विदा किया। गुलीवर अपने देश की ओर चल दिया। जैसे कि आप देख भी रहे हो पिक्चर में, गुलीवर जो है अपनी देश की तरफ जा रहा है। रास्ते में उसे एक जहाज़ दिखाई दिया। आप देख भी रहे हो उसे रास्ते में वो एक जहाज़ दिखाई भी दे रहा है। उसके संकेत करने पर जहाज के लोगों ने उसे देख लिया और ऊपर खींच लिया। सौभाग्य से यह जहाज उसके ही देश का था, यानी कि अकस्मात ही यह जहाज भी कहाँ का था, उसके अपने ही देश का था। उस जहाज के माध्यम से वह सकुशल अपने देश पहुँच गया, यानी कि उस जहाज की सहायता से वह अपने सही तरीके से अपने देश पहुँच गया। बच्चों, अभी तक तो हमने इस चैप्टर की स्टोरी पढ़ी और समझी, अब इसके कठिन शब्द, शब्दार्थ और वाक्य प्रयोग को भी समझेंगे। बच्चों, अब इसके कठिन शब्द हैं। कठिन शब्द में देखिए, फर्स्ट वर्ड है मुक्ति, सेकंड वर्ड है विचित्र, थर्ड वर्ड है बालिस्त, फोर्थ है मस्खरी, फिफ्थ है कनस्तर, सिक्स है आश्चर्यचकित, सेवेंथ है प्रयत्न, एट्थ है खाद्य सामग्री, नाइन है एकत्रित, टेन है सौभाग्य। अब आता है बच्चों शब्दार्थ। शब्दार्थ में फर्स्ट वर्ड है बालिस्त। बालिस्त का अर्थ होता है हाथ से लिया गया नाप। सेकंड है विचित्र। विचित्र का अर्थ है अजीब। फिर है थर्ड वर्ड बंदी। बंदी का अर्थ है कैदी। फिर है विशालकाय। विशालकाय का अर्थ क्या होगा, बहुत बड़ा। मस्खरी। मस्खरी का अर्थ है मजाक। नेक्स्ट है शेष। शेष का अर्थ है बाकी। फिर है खाद्य सामग्री। खाद्य सामग्री का अर्थ है खाने पीने की चीज़ें। नेक्स्ट है अकाल। अकाल का अर्थ होगा अभाव। नेक्स्ट है मुक्ति। मुक्ति का अर्थ है आज़ादी। फिर है बच्चों लास्ट वर्ड जहाजी बेड़ा। जहाजी बेड़ा का अर्थ है जहाज़ों का दल। अब आता है वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग में फर्स्ट वर्ड है समुद्र। समुद्र का पानी खारी होता है। नेक्स्ट है शरीर। व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है। थर्ड है शरारती। बच्चे शरारती होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अकाल। खाना न मिलने से देश में अकाल पड़ गया। लास्ट वर्ड है सम्मानित। प्रथम आने पर बच्चों को सम्मानित किया गया। अब आता है बच्चों क्वेश्चन आंसर, जिसमें कि सबसे पहले है मौखिक प्रश्न। फर्स्ट है गुलीवर क्या काम करता था। आंसर है बच्चों गुलीवर पानी के एक जहाज पर नौकरी करता था। नेक्स्ट है गुलीवर जहाज से कहाँ जा रहा था। आंसर है गुलीवर जहाज से दक्षिण पूर्वी द्वीप समूह की ओर जा रहा था। नेक्स्ट है गुलीवर के कारण लिलीपुट में किस चीज़ की कमी होने लगी थी। आंसर है गुलीवर के कारण लिलीपुट में खाद्य सामग्री की कमी होने लगी थी। लास्ट क्वेश्चन है कौन सा पड़ोसी देश लिलीपुट पर हमला करना चाहता था। आंसर है ब्लेफुस्कू देश लिलीपुट पर हमला करना चाहता था।
अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें फर्स्ट है गुलीवर लिलीपुट कैसे पहुंचा। आंसर है बच्चों, गुलीवर तैरकर लिलीपुट पहुंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींद से जागने पर गुलीवर ने क्या देखा। आंसर है, नींद से जागने पर गुलीवर ने अपने पूरे शरीर को पतले धागों से बंधे हुए देखा। नेक्स्ट है, लिलीपुटवासी देखने में कैसे थे। आंसर है, लिलीपुटवासी देखने में बालिश भर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलीवर के चिल्लाने पर लिलीपुटवासियों की क्या दशा हुई। आंसर है, गुलीवर के चिल्लाने पर सभी आदमी गिरते पड़ते और चीखते चिल्लाते हुए भाग गए। लास्ट क्वेश्चन है, गुलीवर को लिलीपुट की भाषा सिखाने के लिए कितने विद्वानों को नियुक्त किया गया। आंसर है बच्चों, गुलीवर को लिलीपुट की भाषा सिखाने के लिए 6 विद्वानों को नियुक्त किया गया था। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें फर्स्ट प्रश्न है, बादशाह ने गुलीवर के सामने कौन सी शर्तें रखी। आंसर है, बादशाह ने गुलीवर से कहा कि वह बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं भी आ जा नहीं सकेगा और दूसरी यह कि युद्ध के समय वह लिलीपुटवासियों की सहायता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलीवर ने ब्लेफुस्कु के बादशाह के हमले से लिलीपुटवासियों की सहायता किस प्रकार की। आंसर है, गुलीवर ने रस्सियों और कांटों की सहायता से लिलीपुटवासियों की सहायता की। लास्ट क्वेश्चन आता है, गुलीवर को उसके देश वापस जाने की आज्ञा किसने दी तथा क्यों। आंसर है बच्चों, गुलीवर को उसके देश वापस जाने की आज्ञा राजा ने दी क्योंकि गुलीवर को अपने देश की याद सताने लगी थी। अब आता है बच्चों इसका बुक वर्क, जिसमें कि फर्स्ट है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जहाज डूबने के बाद गुलीवर लिलीपुट कैसे पहुंचा। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको इसमें बताना है कि इसमें कौन सा सही आंसर है, चलते चलते, तैरकर या नाव से। सही आंसर है तैरकर। नेक्स्ट है गुलीवर को बंदी बनाकर कहाँ रखा गया। यहाँ पे आंसर दिया है, पुराने किले में, पुराने मंदिर में, पुराने गुफा में। सही आंसर है पुराने मंदिर में। गुलीवर को घूमते घूमते पानी में क्या दिखाई दिया, राक्षस, एक बड़ा तख्त या अजगर। सही आंसर है एक बड़ा तख्त। अब आता है, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। बच्चों यहाँ पे आंसर दिए हुए हैं और हमें उसमें भरने हैं रिक्त स्थानों में। तो फर्स्ट है, गुलीवर डैश के एक जहाज पर नौकरी करता था। क्या है इसका आंसर, पानी के जहाज पर नौकरी करता था। नेक्स्ट है, लिलीपुटवासी गुलीवर के ऊपर डैश चलाने लगे थे, क्या चलाने लगे थे, तीर। तो आंसर है तीर। फिर है, गुलीवर के दोनों ओर डैश लिए छोटे छोटे लोग चल रहे थे। आंसर क्या है बच्चों, हथियार। गुलीवर के दोनों ओर हथियार लिए छोटे छोटे लोग चल रहे थे। अब आता है लास्ट, गुलीवर के भोजन करने से लिलीपुटवासियों की डैश घटने लगी थी, क्या घटने लगी थी, खाद्य सामग्री। गुलीवर के भोजन करने से लिलीपुटवासियों की खाद्य सामग्री घटने लगी थी। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। फर्स्ट है, थका होने के वजह से गुलीवर किनारे पर ही लेट गया। तो आंसर क्या होगा इसका, हाँ या ना। आंसर है बच्चों इसका हाँ, तो हमने सही का चिन्ह लगा दिया, हम हाँ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, लिलीपुट के निवासी विशालकाय थे, हाँ या ना। आंसर है इसका ना, यानी कि नहीं, तो हमने रोंग का लगा दिया।
अब आता है नेक्स्ट, बच्चे गुलीवर के बालों में आंख मिचोली खेलते थे। आंसर क्या है बच्चों इसका? हाँ, तो हमने हाँ पे हाँ का चिन्ह लगा दिया। नेक्स्ट है, बादशाह ने गुलीवर को अपने देश जाने की आज्ञा नहीं दी। क्या है इसका आंसर? नहीं, यानी कि क्रॉस हमने लगा दिया। अब आता है, जो शब्द रंगीन शब्दों के पर्यायवाची नहीं है उन पर गोला लगाइए। यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं और उसके सामने पर्यायवाची शब्द हैं। जो पर्यायवाची शब्द नहीं है उस पर क्या बनाना है? गोला बनाना है, सर्कल बनाना है। तो जैसे पहले है शरीर, शरीर का तन पर्यायवाची होता है, काया होती है सिर, सिर पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब आता है नेक्स्ट, पानी, पानी का पर्यायवाची जल होता है, समीर नहीं होता है, नीर। नेक्स्ट है आश्चर्य, आश्चर्य का पर्यायवाची शब्द अचरज, हैरानी, खुशी, खुशी वर्ड नहीं होता, तो हमने इस पे सर्कल बना दिया। फिर है नेक्स्ट, भोजन, भोजन का है रसोई, रसोई नहीं होता है, तो इसलिए हमने इस पे सर्कल बना दिया। और इसके बाद है खाना पकवान, यह पर्यायवाची शब्द है। अब आता है नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द क्या है? छोटी, छोटी का विलोम होगा बड़ी, ऊंचा, ऊंचा का होगा नीचा, विशाल, विशाल का है लघु। नेक्स्ट है भरा, भरा का है खाली। अब आता है नेक्स्ट वर्ड, चढ़ना, चढ़ना का होगा उतरना। नेक्स्ट है इच्छा, इच्छा का होगा अनिच्छा, मुक्त, मुक्त का है बंदी। फिर है लास्ट वर्ड बायां, बायां का होगा दायां। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों के वर्तनी ठीक कर पुनः लिखने हैं, यानी कि आपको दोबारा से वह वर्ड लिखनी है। यहाँ पे ये वर्ड जो है वो सही नहीं लिखे हुए हैं। तो देखो मृदु, यहाँ पे जो मृदु लिखा हुआ है, मृदु वर्ड नहीं होता, क्या होता है? मृदु होता है। खाद्य, खाद्य वर्ड जो यहाँ पे है वो सही नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने सही लिख दिया इसके नीचे, द के नीचे ये निकाल के। फिर है विद्वान, विद्वान भी यह वर्ड सही नहीं है, हमने सही कैसे लिखा? द के नीचे ये निकाला। यहाँ पे दिया है शेष, शेष नहीं होता है, क्या सही वर्ड होता है? शेष होता है। युक्ति, युक्ति नहीं होता है, सही वर्ड क्या है? युक्ति। फिर है यहाँ युद्ध, युद्ध में जो ध दिया है वो बीच में ना आके द के नीचे आता है, तो इस तरह से हमने यह लिख दिया। अब आता है सही कारक शब्द भरकर वाक्य पूरे कीजिए। कारक शब्द कौन से होते हैं? मैं, ने, का, को, ये सब कैसे हैं? कारक शब्द हैं। फर्स्ट है गुलीवर का जहाज तूफान डैश फंस गया। क्या आएगा यहाँ पे? मैं फंस गया। लिलीपुट वासियों को गुलीवर डैश ध्यान से देखा, गुलीवर ने ध्यान से देखा। नेक्स्ट है गुलीवर डैश शरीर पतले धागे से बंधा था। कैसा, क्या आएगा? का, गुलीवर का शरीर पतले धागे से बंधा था। अब आता है लिलीपुट वासी गुलीवर के विशाल शरीर डैश देखकर हैरान हो गए। क्या आएगा इसका आंसर? को, लिलीपुट वासी गुलीवर के विशाल शरीर को देखकर हैरान हो गए। अब आता है लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के समस्त पद लिखिए। यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं और उनके आपको समस्त पद लिखने हैं, जैसे कि खाने की सामग्री, क्या हो गया? खाद्य सामग्री। भय से भीत, क्या है इसका आंसर? भय, भीत। चीखना और चिल्लाना, क्या होगा इसका? चीखना, चिल्लाना। नेक्स्ट है आश्चर्य से चकित, यानी कि आश्चर्य चकित। राजा का दरबार, राज दरबार। उछलना और कूदना, उछलना कूदना। थैंक यू स्टूडेंट।